hello everyone this is the lecture number 4th of marginal costing so in the previous lecture we have solved some questions related to marginal costing so in this lecture also we are going to cover some of the important type of questions of marginal costing and i hope these lectures are interesting to all of you and you are able to understand whatever we are learning in this video lecture if you have any kind of queries any kind of doubts you can reply me in the chat section and accordingly you can practice the questions which i am sending with the pdfs on a daily basis so let us start for today's lecture question number 1 which we are going to solve today is red limited produces a single article at rupees 10 each the marginal cost of the product is rupees 6 each and fixed cost is rupees 400 per annum दीज आर द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वी नीड टू कैलकुलेट पी पी वी आर कॉल्ड एज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बी ई पी रुपीज एंड यूनिट्स सेल्स टू अर अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड प्रॉफिट एट अ सेल्स ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड न्यू बी ई पी सेल्स प्राइस इज रेड्यूज बाय टेन परसेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ सेल ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ़ बी पी इज रेड्यूज टू एटी यूनिट्स तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो पॉइंट नंबर सेवन है ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा कैलकुलेटिव है तो ध्यान से इस क्वेश्चन को हम समझेंगे सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में जो हमारा सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है सेलिंग प्राइस हमें दिया है टेन तो हम सेलिंग प्राइस अगर सेलिंग प्राइस में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम होता है मार्जिनल कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे दिया है सिक्स रुपीज़ तो अगर हम सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमें फोर मिल जाएगा हम फोर में से फोर हंड्रेड को माइनस नहीं कर सकते बिकॉज फोर हमें यूनिट्स में मिला है और फोर हंड्रेड ये अमाउंट में दिया है तो इट्स वेरी सिंपल हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग सॉल्व करते वक्त आपको एक चीज याद रखनी है और वो है सिस्टमैटिक फॉर्मैट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यू विल गेट द आंसर एज कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट यू विल गेट द आंसर एज प्रॉफिट तो नाव वी आर हैविंग द सेलिंग प्राइस टेन रुपीज गिवन इन द क्वेश्चन वेरिएबल कॉस्ट सिक्स रुपीज तो वी आर गेटिंग द आंसर एज फोर एंड दैट इज अवर कॉन्ट्रीब्यूशन तो इससे हम हमारे आगे के कैलकुलेशंस करेंगे अब सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज पीवीआर क्या है पीवीआर का फॉर्मूला पी का फॉर्मूला है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मिला हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है फोर सेल्स कितना है टेन तो फोर डिवाइडेड बाय टेन मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो आपको आपका पीवीआर मिल जाएगा पीवीआर विल बी फोर्टी परसेंट इन दिस क्वेश्चन तो पीवीआर हमें मिल गया फोर्टी परसेंट इस पूरे चैप्टर का जो बेस है वो पीवीआर है अगर पीवीआर गलत कर लोगे तो आपका जो भी बाकी के क्वेश्चन के पॉइंट्स होंगे वो भी गलत हो जाएंगे ट ऑन द कैलकुलेशन रिलेटेड टू पी वी आर बिकॉजी सिंपल ट्रिक बताई थी अगर हम रुपीज में कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी वी आर और अगर हम यूनिट में कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो चलो अभी फिक्स कॉस्ट पहले देख लेते फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है फिक्स कॉस्ट हमारा फर्स्ट लाइन में ही दिया है कि मार्जिनल कॉस्ट है सिक्स फिक्स कॉस्ट है चार सौ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना ढूंढा हमने कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट फोर ढूंढा है चलो अभी डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं पीपी फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा फिक्स कॉस्ट है हमारा फोर हंड्रेड पी वी आर कितना हमें मिला पी वी आर हमें मिला फोर्टी परसेंट अगर हम फोर हंड्रेड को फोर्टी परसेंट से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा रुपीस वन थाउजेंड इज यूर बीपी इन रूपीज तो बीपी रूपीज हमें आया है बीपी यूनिट्स की अगर बात करें तो यूनिट्स में कैसे ढूंढेंगे फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था हमको फोर आया था टेन में से सिक्स वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके हमें फोर आंसर मिले तो फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर करोगे तो यू विल गेट दी आंसर एज हंड्रेड लेकिन हंड्रेड क्या हंड्रेड है यूनिट्स

तो आपका फिक्स कॉस्ट कितना था फिक्स कॉस्ट था फोर हंड्रेड प्रॉफिट में कन्फ्यूज मत होना ये जो प्रॉफिट यहाँ पे है यही हम लेंगे फोर हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई यी वी आर इज फोर्टी परसेंट तो आपको आंसर मिलेगा रुपीज में कितना मिलेगा दैट विल बी डबल टू फाइव जीरो इज योअर रिक्वायर्ड सेल्स तो रिक्वायर्ड सेल्स हमने कैलकुलेट कर लिया है रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर तो फिक्स कॉस्ट इज 400, 500 का प्रॉफिट उन्होंने दिया है एंड पीवीआर व्हिच विच वी कैलकुलेटेड वाज 40 परसेंट तो आंसर बिकम्स 2250 टू फाइव जीरो प्रॉफिट एट अ सेल ऑफ 3000 अभी हमें प्रॉफिट ढूंढना है तो प्रॉफिट ढूंढने का फॉर्मूला प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला है सेल्स इन टू माइनस फिक्स कॉस्ट क्या है फॉर्मूला सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट तो सेल कौन सा लेना है कंफ्यूज मत होना यहाँ पे जो दिया है वो ही हम सेल लेंगे थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय फोर्टी परसेंट माइनस फिक्स कॉस्ट फोर हंड्रेड ठीक है तो थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय फोर्टी परसेंट माइनस फोर हंड्रेड का आंसर आपको मिलेगा प्रॉफिट विल बी एट हंड्रेड तो प्रॉफिट कितना मिलेगा एट हंड्रेड तो प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ध्यान से सॉल्व करना है बारह सो में से चार सौ माइनस करेंगे आठ सौ का तो प्रॉफिट हमने सॉल्व कर लिया प्रॉफिट वॉज कैलकुलेटेड एस पर द फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पी वी आर माइनस फिक्स कॉस्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या पूछा है नेक्स्ट पॉइंट पूछा है न्यू बीपी इफ सेलिंग प्राइस इज रेड्यूज बाई टेन परसेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बच्चे गलत कर लेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के सिली मिस्टेक्स होंगे तो आपको ध्यान रखना है वेन एवर न्यू बी ई पी इज आज आपको थोड़ा सा कैल्कुलेशन समझा था देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है ये न्यू बी ई पी इफ सेल्स प्राइस इज रेड्यूज बाय टेन परसेंट तो सेलिंग प्राइस जो पहले कितना था सेलिंग प्राइस टेन था ठीक है अब सेलिंग प्राइस पहले कितना था टेन था अभी क्या होगा टेन को रेड्यूस होने वाला है टेन परसेंट से तो हमारी न्यू सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी न्यू सेलिंग प्राइस टेन का टेन परसेंट वन हो जाएगा तो न्यू सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी नाइन बनेगी ठीक है दिस इज द न्यू सेलिंग प्राइस हम सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करते वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हमको सिक्स दिया है तो नाइन में से सिक्स अगर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा थ्री ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है ठीक है अब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अगर चेंज होता है तो पी चेंज होगा इसलिए न्यू बीपी पूछा होगा और अगर आपको सेल्स प्राइस रिड्यूस का पॉइंट दिया है तो ऐसे केस में हमें पी ढूंढना पड़ेगा पहले क्योंकि ये पी आपको रिवाइज पी आएगा सिंस पीवीआर इज गोइंग टू चेंज बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन इज चेंजिंग वॉट इज द फॉर्मूला फॉर पीवीआर कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज थ्री सेलिंग प्राइस इज नाइन इंटू हंड्रेड तो ध्यान से ये आपको पी वी आर जो आएगा ये पॉइंट में आएगा तो पी वी आर इक्वल टू थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट तो दिस इज द पी वी आर दिस इज विच पी वी आर दिस इज द रिवाइज पी वी आर ओके देन वी आर कैलकुलेटिंग बी पी हमें बी पी कैलकुलेट करना है तो दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं बी पी रूपीज भी लेंगे बी पी यूनिट्स भी लेंगे क्या है फॉर्मूला रूपीज का फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर तो आपका फिक्स कॉस्ट कितना है फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा 400 डिवाइडेड बाय 33.33 परसेंट अभी इसमें भी आपको आंसर रिकरिंग है तो ध्यान से करना है क्या करना है आपको कैलकुलेटर पे 400 को डिवाइड करना है 33.333333 जितने कैलकुलेटर पे आपके डिजिट्स है उतने लेने हैं फिर परसेंटेज का साइन दबाना है अगर आप 400 हंड्रेड डिवाइडेड बाय थर्टी परसेंट ही करोगे तो आंसर कुछ अलग आएगा आपको रिकरिंग फिगर लेना है 400 हंड्रेड डिवाइडेड बाय थर्टी जितने डिजिट से उतने आपको लेना है तो इसका आंसर रुपीज में आएगा रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड दिस इज बी पी इन रूपीज ओके एंड वी आर नाउ काउंटिंग बी पी इन यूनिट्स तो बी पी यूनिट्स में भी ढूंढ के रखते हैं बिकॉज उन्होंने सिर्फ बी पी पूछा था फॉर्मूला बनेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो वॉट इज अवर फिक्स कॉस्ट इट्स फोर हंड्रेड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है थ्री है तो फोर हंड्रेड को अगर आप थ्री से डिवाइड करोगे तो आपको आएगा वन थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो पॉइंट लिखा तो भी चलेगा वन थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री यूनिट्स तो वी हैव कैलकुलेटेड द रिवाइज बी ई पी न्यू बी ई पी अगर आपकी सेलिंग प्राइस टेन परसेंट से कम हो जाएगी तो आपका बी ई पी कितना होगा लेकिन ध्यान रखना है अगर आपकी सेलिंग प्राइस टेन परसेंट से कम हो जाएगी तो आपका पीवीआर चेंज होगा और पीवीआर का इंपैक्ट डायरेक्टली बीपी पे पड़ता है इसीलिए हमने पहले पीवीआर को कैलकुलेट कर लिया है एमओ कैलकुलेट करना है एट अ सेल ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड तो एमओएस एट अ सेल ऑफ एम के दो फॉर्मूलाज थे तो अभी हमें यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा एमओएस इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स बीपी सेल्स ठीक है एक्चुअल सेल्स है पंद्रह सो ब्रेक इवन सेल्स मतलब बीपी कौन सा बीपी लेना है पहले वाला पहले बीपी ढूंढा था हमने एक बार चेक कर लेते देखो बी हमने पहले कैलकुलेट किया था कौन सा लेना है ये रूपीस का कितना है रुपीस का वन थाउजेंड तो अभी मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे सो दैट विल बी द बीपी कैलकुलेशन तो बीपी कितना है बीपी सेल्स वन थाउजेंड जो पहले आपका था वही लेना है रिवाइज वगैरह मत ले लेना हंड्रेड माइनस वन थाउजेंड विल बी फाइव हंड्रेड मार्जिन सेफ्टी कितना आया मार्जिन सेफ्टी इज रुपीज फाइव हंड्रेड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ बी पी इज रेड्यूस टू एटी यूनिट्स मतलब हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट ढूंढना है अगर बीपी आपका रेड्यूज होता है एट्टी यूनिट्स तक तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको बिकॉज इसमें बीपी रेड्यूज हो रहा है 80 यूनिट्स तक तो मैं सबसे पहले बीपी का फॉर्मूला लिखूंगा बीपी कौन सा फॉर्मूला हम लिखेंगे बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला हम लिखेंगे बीपी यूनिट्स क्या है फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछा है तो आप बीईपी का फार्मूला क्यों लिख रहे हो बिकॉज बीईपी के फार्मूला से ही हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट ढूंढने वाले ध्यान से समझना कैसे देखो बीई इज रेड्यूस टू 80 यूनिट्स दिया है तो हम सब्सट्रीब्यूट कर रहे हैं एट्टी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट इज हाउ मच फिक्स कॉस्ट इज फोर डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें नहीं पता बिकॉज हमें सेलिंग प्राइस ढूंढना है इसीलिए पहले का कॉन्ट्रीब्यूशन इधर मत लेना अब आपको क्या करना है इसमें से हम कॉन्ट्रीब्यूशन ढूंढेंगे कैसे ढूंढेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई एटी तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा फोर हंड्रेड डिवाइड बाई एटी ये जीरो गया 8 वन जा एट वन जी एट फाइव ज फोर्टी तो आपको आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइव अभी ध्यान से समझना सेलिंग प्राइस कैसे ढूंढ रहा हूँ सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मिला है फाइव मिला है वेरिएबल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया था कितना दिया है सिक्स दिया है ठीक है अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ पे प्लस करेंगे six plus five, तो हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस एंड दिस इज द आंसर विच वॉज आस्क इन द क्वेश्चन सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना मिला सेलिंग प्राइस पर यूनिट वो हमें मिला रुपीज इलेवन तो दिस इज द राइट कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है बट ध्यान रखना ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स वॉज गिवन तो वी कैलकुलेटेड ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट से हमने कैलकुलेट कर लिया कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट में अगर वेरिएबल कॉस्ट को आप एड करते हो तो आपको आंसर मिल गया सेलिंग प्राइस पर यूनिट ओके दैट वॉज द पॉइंट थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन ध्यान से आ, दिस सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो है वो दो कंपनीज का है मतलब आपको पीवीआर दो बार सॉल्व करना पड़ेगा ब्रेक इवन पॉइंट या जो भी चीजें पूछी होगी वो दो बार सॉल्व करनी पड़ेगी तो वी हैव टू कंपनीज गिवन ये क्वेश्चन सॉल्व करने का इंटेंशन ये है कि मैंने आपको लेक्चर नंबर सेकेंड में बताया था कि वेन टू ईयर्स आर गिवन टू पीरियड्स आर गिवन हम पीवीआर का फॉर्मूला यूज करते हैं चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स लेकिन ये जो वैरायटी है ये दो इयर्स का नहीं है दिस वैरायटी इज ऑफ टू डिफरेंट कंपनीज तो हम पीवीआर का वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो हमने पहले यूज किया था एंड दैट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इन टू हंड्रेड तो टू इयर्स गिवन वाला कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करना है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलीमेट्रिक्स आपके हो सकते हैं तो so, शुरू करते हैं पीवीआर फिक्स कॉस्ट एमओएस या ऐसे पॉइंट्स पूछे हैं ध्यान से तो so, सबसे पहले हमने फॉर्मेट बना दिया है क्या है फॉर्मेट सेल्स सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हो तो क्या मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हो तो क्या मिलता है प्रॉफिट तो 12 लैक्स इज योर सेल्स सिक्स लैक्स इज योर वेरिएबल कॉस्ट तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा फर्स्ट में सिक्स लैक्स ,00 आ जाएगा फोर्टीन लैक्स इज योर सेल्स फोर लैक्स इज योर वेरिएबल कॉस्ट तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी टेन लैक्स ठीक है अभी फिक्स कॉस्ट हमारे पास नहीं है प्रॉफिट देकर रखा है तो ये सिक्स लैक्स और फोर लैक्स सिक्स लैक्स में से कितना माइनस करेंगे तो फोर लैक्स आएगा आप बोलेंगे सिक्स लैक्स में से टू लैक्स माइनस करेंगे तो फोर लैक्स आएगा टेन लैक्स में से कितना माइनस करेंगे तो फाइव लैख तो आएगा तो टेन लैक में से फाइव लैख माइनस करेंगे तो फाइव लैक्स आएगा तो फिक्स कॉस्ट हमको मिल चुका है ठीक है चलो अभी पी वी आर ढूंढे है क्या है फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इन टू हंड्रेड पहला है ए का ए का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है ए का कॉन्ट्रीब्यूशन है सिक्स लैक्स डिवाइडेड बाय ट्वेल्व लैक्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो दैट कम्स टू डायरेक्ट आधा ही है तो ये इसका पी वी आर आ जाएगा फिफ्टी परसेंट फिर बी का कैलकुलेट करेंगे बी का कितना है टेन लैक्स ,00 कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय फोर्टीन लैक्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड दैट विल बी पॉइंट में आंसर आएगा सेवेंटी वन पॉइंट फोर्टी थ्री परसेंट तो दिस इज अवर पी वी आर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढ लेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है दो फॉर्मूला है शॉर्टकट का फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पी वी आर सबसे पहले ए के लिए ए का प्रॉफिट कितना दिया है पहले प्रॉफिट देख लेते एक बार ए का प्रॉफिट फोर लैख बी का प्रॉफिट प्रॉफिट चलो करेंगे ए का है ए का पीवीआर कितना ढूंढा हमने फिफ्टी परसेंट फिर बी का प्रॉफिट कितना है बी का प्रॉफिट है फाइव लैक्स और बी का पी कितना ढूंढा हमने सेवेंटी वन पॉइंट फोर्टी थ्री परसेंट इसका आंसर आ जाएगा फिफ्टी परसेंट से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा एट लैक्स और इसका आंसर पॉइंट में आएगा नाइन थाउजेंड नाइन नाइन एट सिक्स सिक्स लैख नाइन्टी नाइन थाउजेंड थोड़ा सा तक तरीके से सिक्स साइंटी नाइन थाउजेंड ड्रेड एंड एटी सिक्स दैट इज अवर आंसर तो एमओ एस ऑल्सो वी है रिक्वायर्ड सेल्स क्या है फॉर्मूला रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बाईर तो अभी हम पहले ए का कैलकुलेट करेंगे ए का फिक्स कॉस्ट कितना ढूंढा हमने टू लैक्स कैलकुलेट किया था प्रॉफिट प्रॉफिट भी हमने प्रॉफिट दिया है एक बार चेक कर लेते हैं हाँ सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज टू लैक्स तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया है डोंट गेट कंफ्यूज ऊपर वाला प्रॉफिट मत ले लेना रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट दिया है वही हम प्रॉफिट लेंगे दोनों के लिए टू लैक्स का ही प्रॉफिट बोल रहा है तो फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो टू लैक्स प्रॉफिट इज ऑल्सो टू लैक्स फॉर ए एंड दी वी आर फॉर ए इज फिफ्टी परसेंट ठीक है ये ए के लिए इसका एंसर आ जाएगा रुपीज एट लैक फिर बी के लिए सॉल्व करेंगे बी का फिक्स कॉस्ट कितना बी का फिक्स कॉस्ट है फाइव लैक्स प्रॉफिट दोनों के लिए सेम बोला है यहाँ पे प्रॉफिट है टू लैक्स डिवाइडेड बाय 71.43 परसेंट ये थोड़ा सा ऑड फिगर आएगा रुपीस नाइन लैख सेवेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एटी रुपीज थोड़ा सा ऑड फिगर यहाँ पे मिल रहा है सो दिस इज द रिक्वायर्ड सेल्स एंड प्रॉफिट वाज गिवन टू यू एस टू लाख रुपीज फर्दर सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री एज यूर होमवर्क ट्राई दिस क्वेश्चन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए एंड देर इज वन मोर होमवर्क टू यू क्वेश्चन नंबर फोर ट्राई करें पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर, करके रखें नेक्स्ट टाइम मिलेंगे थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर